आप पूरी दुनिया में अगर घूमाए तो सभी देश पुरुष प्रधान देश है, वहाँ का समाज भी पुरुषों को ही महत्व देता है। भले ही महिलाओं के हक की कितनी भी बातें होती हैं, साथ ही महिलाओं को पुरुष से आगे बढ़ाए जाने की बातें भी की जाती हैं, लेकिन आज भी मेल डोमिनेंट मानसिकता खत्म नहीं हुई है। 21वीं सदी में आज भी भारत जैसे देश में आमतौर पर महिलाओं को ही गुलामी सहनी पड़ती है, हर जगह पुरुषों को ही आगे बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का राज है, जहां पुरुष महिलाओं की गुलामी करते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ महिलाएं पुरुषों को गुलामी के लिए ही रखती हैं। आपको बता दें कि वुमेन ओवर्स मैन मोटो वाले देश का शासन भी महिलाओं के हाथ में है। वैसे इस देश का नाम अदर वर्ल्ड किंगडम है, जो 1996 में यूरोपियन देश चेक रिपब्लिक से बना था। वह इस देश की रानी पेट्रिसिया एक, जिसका एक छत्र राज चलता है, हालांकि इसे अन्य राष्ट्रों ने देश का दर्जा नहीं दिया है। वहीं बता दें कि इस देश की राजधानी ब्लैक सिटी है। साथ ही आपको बता दें कि चेक रिपब्लिक में स्थित इस देश का अपना झंडा, करेंसी, पासपोर्ट और पुलिस फोर्स है। यहाँ की मूल नागरिक सिर्फ महिलाएं हैं। यहाँ पुरुषों को जानवर ही समझा जाता है, साथ ही पुरुष गुलामों से ऊपर कुछ नहीं माने जाते। इस देश के निर्माण में $2 मिलियन की लागत आई थी। वहीं आपको बता दें कि इस अनोखे देश में दूसरे देश से आने वाले पुरुषों को रानी के बैठने के लिए सोफा बनाना पड़ता है, जिस पर वे बैठती है। यहाँ गुलाम लोगों को अगर शराब पीने को मिलती है तो वे मालकिन के पैरों पर पहले डाली जाती है और उसके बाद ही गुलाम इसे पी पाता है। वहीं जाने इस देश की नागरिकता लेने के कुछ नियम। बता दें कि महारानी पेट्रिसिया एक को ही देश के कानून में परिवर्तन करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने इस देश की नागरिकता चाहने वाली महिलाओं के लिए कुछ नियम बनाए हैं। कोई भी अपनी सहमति से संबंध बनाने की उम्र तक पहुंच गई हो तो उसके पास कम से कम एक पुरुष नौकर होना चाहिए। साथ ही अदर वर्ल्ड किंगडम के सभी नियमों का पालन करने वाली होनी चाहिए। वहीं महिलाओं को कम से कम 5 दिन महारानी के महल में बिताने होंगे। वहीं जाने की क्या है सुविधाएं, तो बता दें कि 3 हेक्टेयर यानी 7.4 एकड़ की भूमि पर बने देश में कई इमारतें हैं। वहीं 250 मीटर का ओवल ट्रैक, छोटी झील और घास के मैदान है। यह मुख्य इमारत महारानी का महल है, यहीं से पूरे देश का शासन चलता है। साथ ही यहां दावत हॉल, लाइब्रेरी, दरबार, यातना गृह, स्कूल रूम, जिम और कैदियों को रखे जाने वाले जेल तहखाने भी हैं। इसके अलावा यहां स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और नाइट क्लब भी है। वह इस देश की सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस देश की रानी पेट्रिसिया एक का चेहरा आज तक बाहरी दुनिया ने नहीं देखा है। वैसे क्या आपको ये देश पसंद आया, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।